तो बच्चों अभी हम लोग दीर्घ संधि पढ़ रहे थे, अब आगे गुण संधि। गुण संधि कहता है कि अ या आ के बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ ई रहे तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, अ या आ के बाद उ रहे तो दोनों मिलकर के ओ हो जाता है, तथा री रहे अ या आ के बाद री रहे तो दोनों मिलकर के आर हो जाता है। जैसे नर जोड़ ई सब, यहाँ र के अंत में अ है और यहाँ ई है, अ और ई मिल कर करके ए हो गया, तो जो अभी र के साथ अ है संधि होने पर वहां अ की जगह पर ए हो गया, तो नर जोड़ी सब नरेश बना। इसी तरह से हित जोड़ उपदेश, यहाँ त के अंत में अ है और यहाँ उ है, ये दोनों मिल करके ओ बन गया, तो हित जोड़ उपदेश हितोपदेश होगा। यहाँ अ है और यहाँ री है, अ और री मिल करके अर बना, तो अर बना तो अ जो है व से आया था तो व के साथ चला आया, और अर में र जो है यह अपने बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेप होता है, अर अर में अ जो है वह से आया था, संधि होने पर वह में चला गया, और फिर यह र जो है अपने बाद वाले व्यंजन पर्व के ऊपर रेप हुआ। इस तरह से देव जोड़ ऋषि देवर्षि, इस तरह से स्वर संधि समाप्त हुई। धन्यवाद।